हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप चैनल के बारे में। व्हाट्सएप तो आप लोग यूज़ करते होंगे, उसमें अभी आ चुका है एक न्यू अपडेट। ठीक है, उस अपडेट में जो आया है न्यू चैनल, मतलब आप जो है व्हाट्सएप में न्यू चैनल जो क्रिएट करके उस चैनल में जो है आप लोग जो है फोटो वगैरह या वीडियो वगैरह जो आप लोग पोस्ट कर सकते हो। आप अर्निंग करना चाहते हो उस चैनल से तो आप लोग अर्निंग भी कर सकते हो। जैसे टेलीग्राम में बहुत सारे अर्निंग ऐप देते हैं, लिंक देते हैं और अर्निंग ट्रिक बताते हैं, वैसे आप लोग जो है व्हाट्सएप चैनल पे भी आप लोग जो है लिंक वगैरह देके ट्रिक वगैरह बता के आप जो है अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, और बहुत कुछ बताऊंगा। जैसे आप लोग मान लो व्हाट्सएप चैनल का काम क्या है और व्हाट्सएप चैनल में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल में आप लोगों को क्या क्या फीचर्स मिलता है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल खुलने के लिए आप लोग जो है व्हाट्सएप ओपन कर लेना। मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों को जो पहला काम करना है, अपने व्हाट्सएप ऐप को जो है अपडेट कर लेना। ठीक है, फिर जो आप लोग जो है व्हाट्सएप ओपन कर लेना। अपडेट करने के बाद मैं व्हाट्सएप ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों को जहाँ पर आप लोग स्टेटस लगाते हैं वहाँ पर अभी देखोगे स्टेटस के जगह पे आप लोगों को अपडेट आ चुका है, मतलब उसको चेंज कर दिया है, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोग देखोगे पूरा इंटरफेस जो है चेंज हो चुका है। आप लोगों को यहाँ पर चैनल क्रिएट करने के लिए आप लोगों को पहला काम जो करना है, यहाँ पर आप लोगों को चैनल शो कर रहा है। ठीक है, मैंने पहले भी एक चैनल क्रिएट किया है। ठीक है, मैंने पहले बार आप ट्राई किया है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर चैनल शो कर रहा है, साइड में आप लोगों को प्लस का ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पर चैनल क्रिएट शो कर रहा है, नीचे फाइंड चैनल कर रहा है। मैं आप लोगों को पहले फाइंड चैनल दिखा देता हूँ और यहाँ पर फाइंड चैनल सी ऑल पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं फाइंड चैनल पे ऊपर चले जाता हूँ। जितने भी यहाँ पर चैनल क्रिएट हो चुका है अभी वो जो चैनल यहाँ पर आप लोगों के सामने शो करेंगे। ठीक है, मतलब मान लो जितने भी क्रिएटर है अभी व्हाट्सएप चैनल पर वो यहाँ पर आप लोगों को शो करेंगे। तो आप लोग अपना व्हाट्सएप चैनल जो क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चैलेंज के साइड में आप लोगों को प्लस शो करेगा, तो प्लस के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो शो करेगा क्रिएट चैनल। ठीक है, तो आप लोगों को क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चैनल नेम शो करेगा, तो आप जो आपका व्हाट्सएप चैनल का नाम रखना चाहते हो उसके हिसाब से आप जो है नाम रखना चाहते हो आप लोग सिलेक्ट कर लेना, मतलब आपका नाम जो है यहाँ पर लिख देना। लिखने के बाद जो है आप लोग यहाँ पर नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन योर चैनल, अपने व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हो। जैसे हम लोग यूट्यूब चैनल पे या सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म ऐप पे जब अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तब जब हम लोग बायो में अपना इन्फॉर्मेशन डालते हैं या हम लोग उस चैनल पे हम लोग क्या क्या काम करेंगे उसके बारे में हम लोग बताते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आपका बारे में लिखना है, आप क्या करते हो इस चैनल में, क्या क्या काम करने वाले हो। ठीक है, आपका चैनल का नाम डाल देना। नाम डालने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन लिख देना। मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मेरा ऑलरेडी चैनल क्रिएट है एक, मैंने आप लोगों को पहले बताया। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ मेरा नाम देख के चैनल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ मैं ओके लिख के रख देता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप लोगों को और एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लोगो रखना चाहते हो उसके हिसाब से आप लोग लोगो भी रख सकते हो। ठीक है, आपका पिक्चर भी लगा सकते हो, या आप लोग लोगो क्रिएट करके रख चुके हैं तो उसको भी आप लोग सेट कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग लोगो के ऊपर क्लिक करोगे, मतलब यहाँ पर कैमरा साइड शो कर रहा है, तो कैमरा के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा, कैमरा का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग गैलरी या कैमरा से आप लोग जो सिलेक्ट करके अपना लोगो जो है सेट कर देना। ठीक है, फिर आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका चैनल जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आप लोग जो है यहाँ पर आपके हिसाब से कुछ भी आप लोग पोस्ट करना चाहते हो या पर अपलोड करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। उससे पहले आप लोगों को आपका जो है चैनल जो है आपके दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, तब जो आप लोग जो है आपका फॉलोवर बढ़ेगा और आप लोग जो है कुछ भी यहाँ पर अर्निंग टॉपिक अपलोड करना चाहते हो या देना चाहते हो अपने दोस्तों को, तो फिर आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आप लोग शेयर करने के लिए आपका लिंक जो है कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे चैनल लिंक शो कर रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर चैनल का लिंक शो करेगा। ठीक है, उसके नीचे आप लोगों को यहाँ पर शो करेगा सेंड लिंक भाई व्हाट्सअप। ठीक है, तो वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका फुल कॉन्टैक्ट यहाँ पर व्हाट्सअप पर जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है सब ओपन हो जाएगा, तो आप लोग सिलेक्ट करके एक एक को भेज सकते हैं। ठीक है, उस मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद आप लोग यहाँ पर कॉपी लिंक शो करेगा, तो आप लोग कॉपी करके मैन्युअली आप जो है किसी वीडियो के साइड में आप लोग लगा सकते हो। मान लो आप लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो उस पर आप लोग लगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे सकते हो। तो आपको मैंने सब कुछ बता दिया और बहुत सारे ऑप्शन में आप लोगों को बता देता हूँ। फिर आप लोगों को यहाँ पर थ्री डॉट शो करेगा। ठीक है, आपके चैनल पे ऊपर आने के बाद तो यहाँ पर आप लोग चैनल इन्फॉर्मेशन शेयर, सेम आप लोगों को चैनल इन्फॉर्मेशन पे चले आना है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग यहाँ पर आपका चैनल जो है डिलीट भी कर सकते हो। आपके चैनल पे किसी और को एडमिन रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आपका चैनल या डिलीट करना चाहते हो, जैसे मेरा ऑलरेडी एक चैनल क्रिएट है मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, मान लो मैं इस चैनल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर डिलीट चैनल के ऊपर क्लिक करके मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे चैनल विल बी परमानेंटली डिलीटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे फोन नंबर डालना पड़ेगा, मतलब मेरा जो भी व्हाट्सएप नंबर से मेरा ये व्हाट्सएप जो है लॉगिन है उस नंबर को यहाँ पर डालना पड़ेगा। डालने के बाद जो है मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है डिलीट होगा। ठीक है, मैं अभी डिलीट नहीं करना चाहता हूँ,
तो आप लोग डिलीट करना चाहते हो तो आप लोग डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बैक आके फिर से आप लोगों को बहुत कुछ ऑप्शन दिखा देता हूँ। मान लो आप लोग किसी और के एडमिन रखना चाहते हो तो उसको आप लोग यहाँ पर इनवाइट वाया लिंक से आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर इसका लिंक भी आप लोग दे सकते हो। देने के बाद जो है फॉलो करके आपका जो है यहाँ पर शो करेगा, शो करने के बाद आप जो है उसमें एडमिन रख सकते हो। जैसे आप लोग मान लो व्हाट्सअप ग्रुप पे किसी को एडमिन रखते हो सेम यहाँ पर वैसे ही आप लोग इस चैनल को आप लोग नहीं चलाते हो, मतलब आप लोग किसी और के सारे आप लोग इस चैनल को छोड़ देते हो तो आप लोग उसको एडमिन करके रख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर आपका चैनल का अगर लोगो नहीं है, आप लोग लोगो लगाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, उसके लिए अब आप लोगों को थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। मान लो मैंने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक किया, फिर आप लोगों पर एडिट शो करेगा, तो एडिट के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सिंपली अपना चैनल का नेम और डिस्क्रिप्शन बॉक्स शो करेगा और आपको ऊपर में लोगो शो करेगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कुछ चेंज करना चाहते हो, मान लो आपका चैनल का नेम चेंज करना चाहते हो, आप लोगों को दो ऑप्शन शो करेगा, आपका चैनल का नेम और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स शो करेगा। आप लोग कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आपके हिसाब से यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर नीचे सेव चेंज शो करेगा, तो आप लोग यहाँ पर चेंज के ऊपर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करके जो है आप लोग चेंज कर सकते हो। और ऊपर में आप लोग जो है आपका चैनल का लोगो चेंज करना चाहते हो या आप लोग पिक्चर चेंज करना चाहते हो तो उसके ऊपर क्लिक करके गैलरी से आप लोग जो है फोटो अपलोड करके सेव चेंज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेव चेंज कर दिया, करने के बाद देख सकते हो मेरा यहाँ पर चेंज हो चुका है। आपका चैनल अगर किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हो तो फॉरवर्ड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों को। देखो यहाँ पर मेरा शेयर के पास में आप लोगों को यहाँ पर फॉरवर्ड का ऑप्शन शो कर रहा है, मतलब मेरे व्हाट्सअप लोगों के नीचे आप लोगों को यहाँ पर फॉरवर्ड ऑप्शन शो कर रहा है। तो मैं फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट आ चुका है यहाँ पर। मैं किसी का भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट सेलेक्ट करके जो सेंड कर सकता हूँ, वहाँ से मेरे चैनल को विजिट करके जो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैग आ जाता हूँ। आने के बाद आप लोग यहाँ पर सिंपली आप लोग जब किसी पोस्ट करना चाहते हो, मैंने मान लो हेलो लिख के यहाँ पर पोस्ट कर दिया, यहाँ पोस्ट कर सकते हो। और एक बात बता हूँ आप लोगों को, अब यहाँ पर आप लोग किसी भी पोस्ट करोगे, मान लो आप लोग किसी वीडियो को अपलोड किया, आप लोगों ने किसी पोस्ट किया, आपको अगर किसी ने फॉलो करके रखा है आपके व्हाट्सअप चैनल पर, ठीक है, उस पोस्ट के ऊपर वो सिर्फ रिएक्ट कर सकता है, रिप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ आप लोगों को रिएक्ट कर सकता है। कैसे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे इमोजी शो कर रहा है, ऐसे रिएक्ट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और रिप्लाई वगैरह जो है कुछ भी नहीं कर सकते। मान लो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट को कोई ऑप्शन नहीं है, आप एडमिन रखोगे फिर जो है आप लोगों को कमेंट या रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंपली बता दिया आप लोगों को यहाँ पर चैलेंज जो है कैसे आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है। मैं बैग आ जाता हूँ, बैग आने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फाइन चैलेंज। आप लोग किसी क्रिएटर को आप अगर फॉलो करना चाहते हो, मान लो यहाँ पर मेरे यहाँ पर कटनी का कैप शो कर रहा है, बहुत सारे यहाँ पर यूजर शो कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्रिएटर है। ठीक है, जैसे आप भी क्रिएटर हो चुको व्हाट्सअप चैनल पे, अगर आपने क्रिएट कर रखा है तो आप भी क्रिएटर हो चुका, आपको भी और जो है फॉलो कर सकता है। तो आप लोग यहाँ पर किसी और को फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर लेना। व्हाट्सअप चैनल का मैं फुल डिटेल्स आप लोगों को बता दिया इस वीडियो में, आप लोग जो है कैसे व्हाट्सअप चैनल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे व्हाट्सअप चैनल जो है आप लोग जो है डिलीट कर सकते हैं और कैसे आप जो है व्हाट्सअप चैनल का बायो या नेम या लोगो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लेना। और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जो है जरूर ऑल पर सेट कर लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।